नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। आइए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों पर। इंदौर शहर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर शहर में इन दिनों आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले निगमकर्मी गुलशन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 12:30 बजे एक सूचना मिली कि परदेसीपुरा शाक्य धर्मशाला के पास एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन सुनहर है, जिसकी 34 साल उम्र है, जो नगर निगम में ऑपरेटर का काम करता था, अपने घर में फांसी लगा ली है। एसटीएफ और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पालदा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हींग फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री से कई क्विंटल मिश्रित हींग सहित कई मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जिसमें फूड डिपार्टमेंट के साथ में पालदा में दबिश देके फैक्ट्री से करीब खड़ा गोंद करीब करीब 40,000 रुपये का, रिफाइंड ऑयल करीब 15,700 रुपये का, फिर इसके अलावा एक केमिकल है उसको कुछ ये चटनी इत्यादि बोलते हैं उसको, उसकी भारी तादाद में एक हिंगड़ा करके 200 किलो करीब 2,40,000 का, और बनी हुई हींग 50 किलो करीब 50,000 रुपये की, ये अमानक पाई जाने पे और सब स्टैंडर्ड जो होती है बिलो स्टैंडर्ड, इसको जब्ती की कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। और इसमें जो जब्ती के उपरांत उसको सैंपल लिए गए, सैंपल लेके सामग्री को वहीं सील बंद करने की इत्यादि कार्रवाई जारी है।